बढ़िया है ये भी राधिका फॉर यू, आपकी तो लाइनें थी, बताओ वो जो, और स्पेशली वो जो एक सीन अभी हमने देखा ट्रेलर में, उन्हें किल कर दिया, यू हैव टू रेप्लिकेट दैट फॉर ऑल ऑफ अस। देखो कैसा हुआ एकदम। नहीं फिर मूवी में क्या मजे आएंगे फिर। How was it working with this amazing, amazing cast, the amazing team here? I couldn't believe it for the longest time. मुझे actually इन्होंने end में ही बताया था कि कौन कौन है, तो मैंने बोला क्या, तबू मैम भी है, नसीर साहब है, कौन सर भी है, अर्जुन है, कौन कौन और जो है। I was like really surprised and very nervous, very very nervous. But like this is my second time working with Vishal ji and like Vishal ji, Rekha ma'am and Asma, they're like my family, so I feel so comfortable around them. I can be nervous in front of them, I can break down in front of them, I can show my excitement, I can do whatever I want to do because they are my home here. So it was such a privilege and it felt personal because it was Asma's first film. So when something feels personal to you, aap apni aur jaan maar dete ho. आप बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करते हो कि नहीं चलो मेरा ये है, मैं आराम से इजी करूंगी, मैं बोलूंगी नहीं नहीं क्या और क्या कर सकते हैं, बिकॉज उसकी सक्सेस मेरी सक्सेस बन जा रही है। सो बहुत मजा आया इस जर्नी में। ही इज रिटन अ ब्यूटिफुल स्क्रिप्ट, ही इज डायरेक्टेड सो वेल, आई फील अ सेंस ऑफ प्राइड, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आसमान ने बना दी। मुझे लगता है बिकॉज आई हैव सीन हिम इन पटाखा एंड तो सच में पटाखा निकला। हाँ सच में पटाखा निकला। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई एम रियली सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बस आसमान इसके बाद आपके पैर छुके ऐसे ना कर दे, बस वो मुझे रोकना पड़ेगा। शार्दुल फॉर यू, हाउ वाज इट यू नो वर्किंग